factorize by taking out highest common factor. अब हमें इसे factorize करना है, इसमें से हमें इसका highest common factor बाहर निकाल देना है और फिर इसे factorize करके दिखाना है. तो एक algebra में जो ये terms दिख रहे हैं हमें, जिसमें ये इसका coefficient है, ये variables हैं, तो इसका आखिर highest common factor से हमारा क्या मतलब होता है? अब ये चूंकि नंबर नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, तो इनके वैल्यूज बदल सकते हैं. हो सकता है कभी नेगेटिव हो जाए, कभी पॉजिटिव हो जाए. तो हम यहाँ पे इनके वैल्यूज की बात नहीं करते. अगर मैं बोल रहा हूँ इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात, तो मेरा मतलब बस इतना सही है कि मैं कितने ज्यादा से ज्यादा इनके कॉमन फैक्टर ढूंढ सकता हूँ. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक्चुअली में मैं इस क्वेश्चन को आपको तीन तरीके से करके दिखाऊंगा. अगर हम सेम चीजें रहे हैं, बस उसको बताने का तरीका अलग अलग हो जाता है. जैसे कि सबसे पहला तरीका तो यही है कि इसको आप एकदम डिटेल में, एकदम इसको एक एक फैक्टर में तोड़ के लिखते हैं. जैसे कि यहाँ पे है 4x की पावर 4y, तो ये हो जाएगा 4. अब एक्चुअली मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 2 टाइम्स 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2. और x की पावर 4 है, यानी कि मेरे पास 4 बार x है यहाँ पे और फिर एक y है. तो ये मेरा पहला टर्म हो गया. उसके बाद आते हैं दूसरे टर्म पे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्लस 8x की पावर 3y, यानी कि प्लस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2. अगर मैं उस 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो मुझे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 मिलेगा. x की पावर 3 है यहाँ पे, यानी कि x टाइम्स x टाइम्स x, और एक y है यहाँ पे. तो अब इन दोनों टर्म्स में मुझे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, मतलब मैं क्या क्या यहाँ से निकाल सकता हूँ बाहर, चलिए वो देखते हैं. तो जैसे अगर मैं इस कोफिशियंट की बात करूँ, इस टूस की बात करूँ यहाँ पे, तो 2 का कितना हाईएस्ट पावर है यहाँ पे जिसको मैं बाहर कर सकता हूँ? तो यहाँ पे 2 बार 2 आया है, यहाँ पे 3 बार 2 आया है, लेकिन 3 बार 2 तो मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही बार 2 है. तो इन दोनों में से मैं सिर्फ 2 के 2 पावर को ही बाहर निकालूंगा, यानी इन दोनों को मैं बाहर निकाल दूंगा और इधर से भी 2 ठो मैं 2 उठा लूंगा. तो ये हो गई कोफिशियंट की बात. अब आते हैं वेरिएबल पे. जैसे x के बारे में, x यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ से x की थर्ड पावर को दोनों में से कॉमन उठा सकता हूँ. तो इन 3x को, और मान लीजिए मैं इन 3x को यहाँ से मैं हटा लेता हूँ. और y की बात करें तो यहाँ भी एक y है और यहाँ भी एक y है, तो एक एक y भी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ. तो अब बचा क्या, तो इस तरफ इस पहले टर्म में मेरे पास एक यहाँ पे x बच गया, एक यहाँ पे मेरे पास ये x बच गया, और इस तरफ मेरे पास एक 2, और बस एक 2 बच चुका है. तो चलिए हम इसको निकालते हैं बाहर. तो मेरे पास बाहर आ जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स x टाइम्स x टाइम्स x टाइम्स y, और अंदर क्या बच जाएगा, तो ये एक x यहाँ पे आ गया जो बचा हुआ था, प्लस एक 2 यहाँ पे आ गया. अब इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 यानी कि 4, x की पावर 1, 2, 3, x की पावर 3 टाइम्स y, और अंदर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, यानी कि हमने इसको फैक्टराइज कर दिया इन दोनों एक्सप्रेशंस के टर्म्स में. अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये दिया हुआ एक्सप्रेशन मिल जाएगा. और ये जो यहाँ पे 4x की पावर 3y है, 4x क्यूब y, ये दिए हुए एक्सप्रेशन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं और कोई भी कॉमन फैक्टर्स दोनों टर्म में से नहीं निकाल सकता था. तो ये इसका HCF हो जाएगा, और हमने इसको फैक्टराइज भी कर दिया. अब इसको करने का एक और, एक्चुअली इसको सोचने का एक और तरीका हो सकता है, तो चलिए उस तरीके को हम एक बार देखते हैं. एक्चुअली उसको बताने से पहले मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ. जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई दो नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए कुछ है 12 और दूसरा है कुछ 21. अब इन दोनों में से मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है इनका, तो इनका HCF क्या होगा? तो इसके 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे मेरे पास 1, 2, 3, 4, 6 और 12. 21 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3, 7 और 21. तो जो दोनों में कॉमन फैक्टर है वो है 1, 3, इसमें है 1 और 3, और जो कॉमन और हाईएस्ट है वो है 3. तो इन दोनों का HCF जो है वो 3 हो जाएगा. तो अगर मैं दोनों में से 3 बाहर निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा वो मैं कैसे डिसाइड करूँगा? अब मुझे पता है कि 12 होता है 3 टाइम्स 4, तो मैंने 3 तो बाहर निकाल दिया, और इधर 21 है तो 21 भी होता है 3 टाइम्स 7,
तो मैंने दोनों तीन को बाहर कर दिया है, अंदर बच रहा है 4 और 7। लेकिन 4 और 7 तक पहुंचने का एक और तरीका भी हो सकता है, वो क्या? तो ये दिए हुए टर्म को, ये जो यहाँ पे दिया हुआ 12 है, अगर उसको मैं दोनों के कॉमन हाईएस्ट फैक्टर, एक्चुअली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दूँ, यानी कि 3 से डिवाइड कर दूँ, तो मुझे 4 मिल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ ये जो दिया हुआ है 21, उसको इनके HCF यानी कि 3 से जो मैंने बाहर कॉमन निकाला उससे डिवाइड कर दूँ तो मुझे यहाँ पे 7 मिल जाएगा। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो कि एक्चुअली में 3 times 3 1 3 3 4 12 ये हो जाएगा 4 प्लस 3 1 3 3 7 21 यहाँ पे आ जाएगा 7, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब सेम इसी लॉजिक से हम इस चीज़ को सोचते हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ पे इनका HCF है 4x की पावर 3y, तो 4x की पावर 3y तो मेरा बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचेगा वो मैं कैसे सोचूंगा? तो हम सेम लॉजिक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला टर्म है 4x की पावर 4y, उसको मैं लिख के उसको जो कॉमन हमने यहाँ से निकाला, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने निकाला, उससे मैं डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि 4x की पावर 3y से मैंने डिवाइड कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था। और फिर प्लस, अब आते हैं दूसरे टर्म पे, ये वाले टर्म पे, तो ये है हमारा 8x की पावर 3y डिवाइडेड बाई जो कॉमन टर्म हमने बाहर निकाली थी, जो इसका कॉमन फैक्टर था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी से मैं डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि 4x की पावर 3y से। और एक्चुअली आप लॉजिकली देखें तो एक तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप इसको वापस से रिवर्स प्रोसेस करना चाहें, यानी कि अगर आप ये जो यहाँ पे फैक्टर आया है इसको इससे मल्टीप्लाई करना चाहें, तो जैसे ही आप इसको पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये न्यूमरेटर ये वाला और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास 4x की पावर 4y बच जाएगा जो कि दिया हुआ है। फिर वैसे ही अगर मैं इसको दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करूँ तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 8x की पावर 3y बच जाएगा जो कि दिया हुआ है। अब ये यहाँ पे आ गया है, तो ये HCF तो हमने बाहर पहले ही निकाल दिया है, इसका कोई झमेला नहीं है, 4x की पावर 3y। अंदर क्या बचेगा चलिए वो देखते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ऊपर नीचे 4 से डिवाइड करूँगा तो ये कैंसिल, ऊपर नीचे y से डिवाइड करूँगा तो ये चला जाएगा, यहाँ पे x की पावर 4 और x की पावर 3, तो ये हो जाएगा मेरा, दोनों पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा x के बराबर, प्लस यहाँ पे 4 1 4 4 2 8, यहाँ पे x की पावर 3, ऊपर भी x की पावर 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ है y, ऊपर भी y, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ सिर्फ 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मेरे पास सेम एक्सप्रेशन आ गया जो कि मेरा पहले आया था। तो आप किसी भी लॉजिक से करें, किसी भी तरीके से करें, आंसर हमारा जो फैक्टर से वो सेम आएगा। और लेकिन जनरली जब हम करेंगे, जब आगे जाके आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से करने लगेंगे, तब आपको इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मेरे पास दिया हुआ है ये 4x की पावर 4y प्लस 8x की पावर 3y, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे है 4, यहाँ पे 8, दोनों में से मैं 4 निकाल सकता हूँ क्योंकि ये 4 तो इसे डिविजिबल है ही और 4 2 8 होता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, जो कांस्टेंट वैल्यू जो मैं निकाल सकता हूँ, वो 4 ही होगी, 4 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। x पे आते हैं तो यहाँ पे x की पावर 3 में दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि इसमें से मैं x की पावर 4 तो निकाल नहीं सकता, जो सबसे कम है वो मैं ले लूँगा, तो x की पावर 3 हो गया। और y दोनों में ही कॉमन है और इक्वल नंबर्स में है तो मैं y निकाल लूँगा, अंदर क्या बच जाएगा, तो 4x की पावर 3y, यहाँ पे 4x की पावर 4y, यानी कि एक x ज़्यादा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 8x की पावर 3y है यहाँ पे और यहाँ पे 4x की पावर 3y है, तो यहाँ पे एक 2 तो आ जाएगा क्योंकि 4 2 8 आता है, x की पावर 3 x की पावर 3 और y, तो और कुछ आएगा नहीं, तो फिर से मेरा जो मेरा दिया हुआ एक्सप्रेशन है वही आ गया।